हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन आवर SST क्लास। आई एम माधुरी भारद्वाज, आई एम योर SST टीचर। टुडे वी विल गोइंग टू रीड अबाउट द राष्ट्रकूटास। आज हम राष्ट्रकूट कौन कौन से राजा इसमें आते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। द राष्ट्रकूटास कंट्रोल्ड द डेक्कन एंड टेरिटरी इन द नॉर्थ साउथ इंडिया एट द डिफरेंट टाइम। अलग अलग समय में जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने डेक्कन प्लेस को और नॉर्थ साउथ इंडिया को कंट्रोल में कर लिया था। दे मूव टूवर्ड द नॉर्थ मेनी टाइम्स टू फाइट विथ द प्रतिहारास। उन्होंने जो नॉर्थ साइड थी वहाँ पर प्रतिहारा से बहुत लड़ाई करी और जीता फॉर कंट्रोल ओवर द गुजरात एंड मालवा, और गुजरात और मालवा को कंट्रोल किया। दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो दंती दुर्ग को कहा जाता है। ही वॉज अ हेरिडिटरी चीफ ऑफ द चालुक्य, ये चालुक्य का चीफ कहलाता था। एज द चालुक्य किंगडम डिक्लाइन, अब जो कि चालुक्य किंगडम जो था वो डिक्लाइन हो चुका था। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ इंडिपेंडेंट किंग, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। गोविंद थर्ड एंड अमावर्सा एंड कृष्णा सेकेंड वर द अदर बेस्ट नोन राष्ट्रकूट रूलर, ये भी दूसरे राष्ट्रकूट रूलर थे। द राष्ट्रकूटास वर द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री मेजर किंगडम, और जो राष्ट्रकूट थे वो तीन बड़े मेजर किंगडम के रूप में जाने जाते थे, उनमें से एक थे। द पालास, गुर्जरा प्रतिहारास एंड दे देमसेल्फ, उन तीनों में कौन कौन थे, पाल थे और गुर्जरा प्रतिहारा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो थे, और ये एक स्वयं थे मतलब राष्ट्रकूट थे। द रूल इन द डेक्कन लास्टेड फॉर देमसेल्फ 200 ईयर, उन्होंने लगभग 200 सालों तक राज्य किया। दे इनकरेज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन्होंने जो आर्ट होता है, आर्ट और आर्किटेक्चर जो होता है इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। एंड बिल्ट सेवरल फेमस मोनूमेंट, और बहुत फेमस इमारतें बनाई लाइक द कैलाशनाथ टेम्पल, जो कैलाशनाथ फेमस टेम्पल है वो इन्होंने बनवाया। इट द एलोरा इज द बेस्ट नोन अमंग देम, इन सब में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड नेक्स्ट इज वी विल कंटिन्यू टुमारो, इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।